Hi friends, good morning. This is Dr. Huma speaking on the topic dark circles. तो dark circles क्या है? Dark circles आपके आँखों के आजू बाजू darkness को बोला जाता है dark circle. अभी ये दो तरह के होते हैं, एक hereditary और एक acquired. Hereditary वो होते हैं कि आपके family में हर किसी को dark circles हैं, इसलिए आपको भी dark circle है. दूसरा acquired होता है, बहुत ज़्यादा घसने की वजह से या बहुत ज़्यादा पोंछने की वजह से या आपको पैदा होने के बाद या आपको एडोलेसेंस के बाद जवान होने के बाद वो डार्क सर्कल्स आते हैं, उनको बोलते हैं एक्वायर्ड डार्क सर्कल्स. अभी क्या रीजंस है डार्क सर्कल्स होने के? एक तो है एनाटॉमिकल फैक्टर कि आपका फेस उस तरह से बनाया है कि आपके जो ऊपर की आईब्रोज का पार्ट है वो ज़्यादा बाहर है और आपके जो आई बॉल्स हैं वो ज़्यादा अंदर की तरफ है, उसको बोलते हैं संकन आइज. उसकी वजह से एक शैडो क्रिएट होती है जो कि आपको वो डार्क कलर देती है, उस वजह से उनको बोलते हैं संकन आई डार्क सर्कल्स. सेकेंडली काफ़ी एलर्जीज, काफ़ी पेशेंट्स जिनको एलर्जी या अस्थमा होता है उनको बहुत ज़्यादा सर्दी या आँख में भी खुजली होने की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा रब करता है आँखों को, उसकी वजह से हमारी स्किन के आजू बाजू की जो स्किन होती है वो बहुत पतली होती है, तो बार बार रब करने से बार बार पोंछने से वो जगह डार्क हो जाती है, उस वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं. विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, एनीमिया की वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं, क्योंकि आयरन और B12 कम होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, और जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो वो स्किन डार्क कलर की होने लगती है, जिस वजह से वो डार्क सर्कल्स होते हैं. नाउ बहुत सारे काफ़ी मेडिसिंस की वजह से भी ऐसा होता है, कुछ मेडिसिंस जिसकी वजह से वेजो डायलेटेशन होता है, कुछ BP के मेडिसिंस है या किसी दूसरी चीज़ के मेडिसिंस है जिसकी वजह से वहाँ पर आपकी वो जगह पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, आपकी स्किन वहाँ की पतली होती है, तो वो डार्कनेस और ब्लूइश अपियरेंस की वजह से और सन डैमेज की वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स होते हैं. जैसे हम बिना सनस्क्रीन के जब बाहर निकलते हैं, मैंने अपने सनस्क्रीन के वीडियो में वो एक्सप्लेन किया है कि सनस्क्रीन लगाना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो जब आप बिना सनस्क्रीन लगाए बाहर निकलते हो तो आपकी पूरी स्किन टैन होती है, पूरा फेस टैन होता है, मगर सबसे ज़्यादा टैनिंग आँखों के पास होती है बिकॉज वहाँ की स्किन ज़्यादा पतली है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डैमेज होके, रिंकल्स वगैरह होके डैमेज होके वो ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता है. लैक ऑफ स्लीप, अगर आप बराबर 6 से 8 घंटा नहीं सो रहे हो तो भी आपको फटीक की वजह से डार्क सर्कल्स आते हैं, या आप बहुत लेट सो रहे हो और सुबह बहुत लेट उठ रहे हो उस वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स आते हैं. सो उसका ट्रीटमेंट ये है, जो आपका जिस वजह से आपको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं वो चीज़ को आप करेक्ट करो और आपके डार्क सर्कल्स ठीक हो जाएंगे. अगर आपको संकन आइज है, मतलब आपके आई बॉल्स बहुत अंदर प्लेस्ड है आपके आंखों के और आपके आईब्रोज ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये जो सॉकेट है आपका वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है और आई बॉल्स अंदर है, तो कोई भी ट्रीटमेंट या लोकल एप्लीकेशन या मेडिसिन या किसी भी चीज़ की वजह से वो नहीं हो पाएगा, आपको सर्जिकल प्रोसीजर कराना पड़ेगा जिसमें वो आपके जो आई बॉल्स है उसको बाहर की तरफ प्लेस करके यहाँ पर फैट ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी आँखें थोड़ी बाहर की तरफ दिखती है और डार्क सर्कल का अपीयरेंस और वो शैडो अपीयरेंस बंद हो जाता है. यू हैव टू कीप दिस पार्ट ऑफ योर आईज, आपकी ये आंखों के आजू बाजू आपको ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड रखना है, बिकॉज अगर ड्राइनेस होगा आप रब करोगे इचिंग होगी और डार्क सर्कल्स आपको होंगे. अगर आपको एलर्जी है तो आपको आपकी एलर्जी ट्रीट करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपको इचिंग ना हो, आप रब ना करें और आपको डार्क सर्कल्स ना हो. You have to apply sunscreen on your face और यहाँ पर भी, so that आपकी skin यहाँ sun की वजह से tan ना हो और आपको pigmentation हो के dark circles ना हो. अगर आपको anemia की वजह से dark circles है तो you have to include iron in your diet, iron supplements लेने पड़ेंगे. अगर vitamin B12 की deficiency है तो vitamin B12 की tablet लेने पड़ेगी आपको, तो उससे आपकी dark circles कम हो जाएंगे. ईट हेल्दी डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आपकी फुल बैलेंस्ड डाइट प्रॉपरली लीजिए, प्रोटीन्स वगैरह, उस वजह से भी आपके डार्क सर्कल्स का अपीयरेंस कम होगा.
और स्लीप नाइसली, जल्दी सोइए और जल्दी उठिए. ट्राई टू कम्प्लीट 6 to 8 hours ऑफ स्लीप डेली सो दैट आपकी स्किन, आपका, आपकी आईज फ्रेश रहे, कैन कॉन्सेंट्रेट मोर, एंड उसकी वजह से भी आपके डार्क सर्कल्स का अपीयरेंस कम हो जाएगा. आई होप आई हैव सॉल्व्ड मैक्सिमम ऑफ योर डाउट्स. अगर कुछ रह गया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. थैंक यू.